बच्चे का मिथ है मन का कि नए सवाल होते हैं। बहुत बार बच्चा जब एनालिसिस करता है तो उसको पता लगता है कि मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं आया है इस क्वेश्चन में, तो उसको फिर जाकर फॉर्मूलाज पढ़ने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मैनेट। और जैसे कि नीट के लिए 2 महीने रह गए हैं, 5 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है। सो प्रतीक सर, नीट में रह गए हैं 2 महीने और फिजिक्स आई थिंक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, कैसे प्रिपेयर करें? देखिए, 2 महीने अगर रह गए हैं, हम मान के चलते हैं कि बच्चे ने बेसिक पढ़ा होगा, तो अभी उसको सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी जो अपनाना चाहिए वो ये करना चाहिए कि वो अपने जो लेक्चर नोट्स हैं जो उनके टीचर ने उनको दिए हैं वो रिवाइज करें। उससे ये होगा कि हर एक छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, फॉर्मूले रिवाइज होंगे और खासकर जो सवाल हर कॉन्सेप्ट के बाद आते हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे। तो लेक्चर नोट्स पढ़ने से हमें ये फायदा होगा कि सारा एक जो पूरा डिटेल में रिविजन है हमारा, हम पूरा हर एक टॉपिक को गो थ्रू कर पाएंगे। और साथ में हमें जो है वो टेस्ट देने चाहिए, कुछ पार्ट सिलेबस टेस्ट भी देने चाहिए ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से टॉपिक्स में हम कमजोर हो रहे हैं, और फुल लेंथ टेस्ट ताकि हमें पता चल पाए कि हम टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं। डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट टॉपिक्स के जब सवाल हमारे सामने आ रहे हैं तो हम स्विच कर पा रहे हैं कि नहीं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि किस टॉपिक का सवाल है किससे है नहीं है। तो ये 2 चीजें करनी चाहिए, एक तो लेक्चर नोट्स अच्छे से रिवाइज करें, उसके अलावा पार्ट सिलेबस और फुल सिलेबस टेस्ट में अपीयर करना चाहिए। ऑलराइट, सो आई थिंक सर बहुत ज्यादा एम्फसाइज दे रहे हैं टेस्ट्स पर। बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्या आप सही कर रहे हैं और क्या है जिसमें स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अब कुछ बच्चे हैं जो सोचते होंगे कि फिजिक्स में जैसे कुछ सवाल हैं जो हो गए हैं पर कुछ नया है जो रह गया है, हमने किया ही नहीं है, तो उनको क्या वो नया ट्राई करने चाहिए सवाल या फिर पुराने की ही रिविजन करनी चाहिए? देखिए, ये ना एक बच्चे का मिथ है मन का कि नए सवाल होते हैं। जनरली ये होता है, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो एक कुछ लिमिटेड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आपने बेसिक कर रखा है, जैसे मैंने बोला कि आपने लेक्चर नोट्स पढ़ रखे हैं, आपने आपका पैकेज सॉल्व कर रखा है, तो हर एक वैरायटी आपकी कवर ऑलरेडी हो चुकी है। अब ऐसे तो सवाल दुनिया में अनलिमिटेड है, हम ये सोचेंगे कि हर एक सवाल में करके जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये करना चाहिए कि जो भी आपका स्टडी पैकेज है उसको आप एक के बजाय 2 बार 3 बार कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, कॉन्सेप्ट डेवलप एज इन कि आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सवाल इस तरह से करना होता है। जैसे बहुत बार बच्चे टीचर से पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि इसमें ये करना था, तो वो तभी हो पाता है क्योंकि एक टीचर जब कर रहा है तो उसने पैकेज बहुत बार किया हुआ है, तो उसे पता है मुझे इस सवाल में ये करना है, और यही कॉन्सेप्ट होता है। तो वही करना चाहिए कि जो भी स्टडी पैकेज है या जो टेस्ट पेपर्स आपके इंपॉर्टेंट है उनको बार बार करें, 2 से ज्यादा बार करें, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए। ऑलराइट, आई थिंक ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है फिजिक्स सब्जेक्ट से, आई थिंक ये सभी सब्जेक्ट्स में है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इन 2 महीनों में केमिस्ट्री की रिवीजन कैसे कर सकते हैं, क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, केमिस्ट्री के लिए 3 पार्ट हैं केमिस्ट्री में, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तीनों को अप्रोच करने का तरीका अलग अलग है। बिल्कुल, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, तो अगर फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इनऑर्गेनिक के लिए अगर एनसीईआरटी फॉलो करेंगे रिग्रेसली, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मगअप करने की, तो एनसीईआरटी अगर बच्चा पढ़ता है तो नीट में जो सवाल आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के देखे हुए आएंगे, अगर उसको एनसीईआरटी पूरा याद है तो। ऑर्गेनिक के लिए बच्चा ये कर सकता है कि जो भी रिएक्शंस हैं वो उनको याद करे, मैकेनिज्म्स वगैरह देखे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। सो आई थिंक प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मैनेट कंडक्टिंग मैनेट स्कॉलरशिप टेस्ट MST ऑन 17th एंड 31st मार्च, चूज द डेट दैट सूट्स यू बेस्ट। सो लेट्स से देयर्स अ स्टूडेंट जो रेगुलरली टेस्ट्स दे रहा है, राइट, और उसके फिजिक्स में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, तो अब 2 महीने में क्या करना चाहिए उस बच्चे को? देखिए, टेस्ट देने के साथ साथ उससे भी ज्यादा जरूरी जो चीज है वो उसका एनालिसिस है। अगर बच्चा टेस्ट का एनालिसिस करता है तो उसको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस वो हर बार गलत कर रहा है, या किस कारण से वो क्वेश्चन गलत कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बार बच्चा जब एनालिसिस करता है तो उसको पता लगता है कि मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं आया है इस क्वेश्चन में, तो उसको फिर जाकर फॉर्मूलाज पढ़ने। बहुत बार बच्चे को लगता है कि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहा हूँ, तो उसको केयरफुल होकर सवाल को सॉल्व करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को यही पता नहीं लगता कि ये सवाल कौन से चैप्टर का है या कौन से टॉपिक का है, तो मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको उस पर्टिकुलर चैप्टर वो पता करके फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो अगर ये करेगा बच्चा, थोड़ा सा पिन पॉइंट करेगा चीजों को कि कहाँ गलती हो रही है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, तो 2 महीना सफिशिएंट टाइम होता है ये चीज इम्प्रूव करने के लिए, तो डेफिनेटली मार्क्स जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। सो बेसिकली टेस्ट सीरीज सिर्फ अटेम्प्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको एनालाइज करना, और भी उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो तो आपको आपका
कोचिंग है वो आपको देगा ही रिजल्ट तो उसका, बट वो जो एक स्कोर आया है वो नंबर से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, ये देखना कि क्या हमको आता है क्या नहीं आता है, और ये कैसे पता चलेगा हमें एनालिसिस से पता चलेगा, ताकि अगली बार आप वो मिस्टेक्स ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतीक सर, आप फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली जैसे कि अब 2 महीने में क्या रिविजन स्ट्रेटेजी, किस तरीके से? रिविजन तो सबसे जरूरी है फिजिक्स में फॉर्मूलाज, तो बच्चे को यही करना चाहिए कि रोज जो है वो हर चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज करें। एक बंच ऑफ चैप्टर्स बना लिए कि फर्स्ट चैप्टर से लेके फिफ्थ चैप्टर तक आज रिवाइज करूंगा, तो केवल फॉर्मूलाज फॉर्मूलाज रिवाइज कर ले, क्योंकि नीट में जो सवाल आते हैं वो बहुत डायरेक्ट होते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें एक फॉर्मूला लग के आंसर आ जाता है। तो अगर बच्चे को फॉर्मूला भी याद है या फिर जो भी टर्म्स गिवन है उससे भी बच्चा फॉर्मूला बना के और उस सवाल को सॉल्व कर सकता है, तो फॉर्मूलाज पढ़ने चाहिए। और मेजोरिटी बच्चों की यही दिक्कत होती है कि राइट टाइम पे उनको फॉर्मूला नहीं याद नहीं आता है, राइट। तो वही है कि उस चीज वो चीज ना हो उसके लिए फॉर्मूलाज रोज रिवाइज करें। पेपर प्रेशर जिसकी वजह से बच्चा बहुत चीजें, हाँ बहुत। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि हॉल में एंटर, टेस्ट में एंटर करने से पहले ही दे पैनिक्ड। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन, शी पैनिक्ड, वो पेपर ही नहीं दे पाई, मतलब वो नहीं हो पाया। सो दिस 2 मंथ्स का रिविजन का एजेंडा यही रहता है कि आप लोगों को ना ये प्रैक्टिस हो जाए कि भाई पेपर के टाइम वो 3 घंटे ना थोड़े स्ट्रेस में आएंगे। राइट, इट इज ऑल 2 इयर्स ऑफ हार्ड वर्क दैट इज टू बी शोन इन दी दैट 3 आवर्स। राइट राइट। तो वो बहुत नेसेसिटी है, और ये 2 महीने का रिविजन इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि 2 महीने में रिविजन रिविजन रिविजन, नथिंग न्यू, ताकि आप उस 3 आवर्स के स्ट्रेस के लिए अपनी बॉडी को और अपने माइंड को अभी से प्रिपेयर कर लो। राइट। और वो इतनी बार रिविजन हो जाएगी ना कि आपको स्ट्रेस में भी याद आ जाएगा। राइट, ये तो हमने कहीं पढ़ा था, वो दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी, हमारे माइंड की टेंडेंसी है वो। बिल्कुल। तो अगर मैंने कोई चीज बहुत बार पढ़ ली है, मैंने 10,000 मतलब 100 टाइम भी पढ़ ली है, तो मुझे पता होगा कि हाँ यार ये तो ऐसा था, मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, मेरे को वो टर्म या एग्जाम्पल अपने आप याद आ जाएंगी। दैट इज वाई वी सी द रिविजन इन दीज 2 मंथ्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू एट दी मार्क्स, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द प्रेशर दैट यू आर गोइंग टू फेस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। राइट, सबसे ज्यादा जरूरी है आई गेस। राइट राइट राइट। आई थिंक यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आ रही है, क्योंकि अब 2 महीने रह गए, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेल्फ डाउट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और इन 2 महीनों में वो जो प्रेशर आ रहा होगा उनके ऊपर, उससे कैसे वो हैंडल करें? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मुझे लगता है तभी आता है जब मैंने रिविजन या मैंने थोड़ी सी कम पढ़ाई करी है। ये 2 महीने में थिंग्स आर अचीवेबल, ऐसा नहीं है। फॉर बायोलॉजी इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट, आई हैव सीन स्टूडेंट्स, जैसे कि एक मेरा स्टूडेंट था, उस जूलॉजी उसको अच्छी लगती थी, पर वो बॉटनी में थोड़ा सा, ही डिड नॉट लाइक टू स्टडी बॉटनी, में बहुत सारी चीजें मेमोराइज करनी है, तो बोला था यार कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे ना, यू यूज टू डू दिस, तो व्हाइल ड्यूरिंग द टेस्ट ऑल्सो सेम थिंग, उसके पेपर में भी रिफ्लेक्ट होता था, क्या बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर आ रहे हैं, बॉटनी में नहीं आ रहे। राइट। तो फॉर द 2 मंथ्स ही वॉन्टेड इट वॉज, ही फोकस्ड प्राइमरली ऑन बॉटनी, भाई अब ये बॉटनी कर देंगे अच्छे से कर देंगे, एंड ही डिड एक्चुअली। तो वो 2 महीने में ही उसने पूरी बॉटनी को बाकी सारे सब्जेक्ट के इक्वल ला के रख दिया, एंड ही स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज ऑल्सो। तो अब मैं वही फिर से अगेन है ना, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, आपको प्रेशर भी लग सकता है, बट उसकी एक ही वजह होती है जब आपने ऑनेस्टी से अपना काम नहीं किया था, तैयारी तो पूरी नहीं है। तो अब आप ये 2 महीने बी ऑनेस्ट विद यू दैट आई डोंट नो दिस, एंड कॉन्टैक्ट एंड टॉक टू योर टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स। राइट, सबसे ज्यादा जरूरी है, लगता है कि पेरेंट्स को भी पता हो कि हमारा बच्चा कहाँ पे वीक था, वो भी उनको हेल्प करे। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इन ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली इन दिस बिगर एग्जामिनेशन, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनका स्कूल में था। वो इन्वॉल्व रहते हैं तो बच्चा अपने आप डर से भी पढ़ता है और आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी पढ़ता है। राइट, माई पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, माई पेरेंट्स आर पेइंग दिस फीस, आई टू डू दिस मार्क्स, या मुझे कॉलेज में भी जाना है, तो वो सब फैक्टर्स इसमें बहुत इंक्लूड करते हैं। कॉन्स्टेंट प्रेशर, यस, कॉन्स्टेंट प्रेशर जो है वो आप पेरेंट्स से भी टॉक आउट करो, अपने टीचर से भी करो, तो वो एक्चुअली आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं कि आप मूव करिए कि एटलीस्ट यस यू स्कोर दिस मार्क्स, इतने इतना तो करके आएंगे तो इतने नंबर आएंगे, इतने नंबर आएंगे तो आपको एक सीट, we will secure a seat. Right. So you talk out to your teachers, prepare a plan, a strategy that how do we move अगले chapters कैसे करने हैं, कौन से chapters prior पे करने हैं, क्योंकि कितने weightage, ऐसा नहीं कि अब मैं supposedly chemistry में biomolecules करने लग जाऊँ जिसमें hardly we see lesser number of questions in compared to the chapter जिसमें ज्यादा questions आएंगे. So focus on the chapters which are more important and which put more weightage in the examination. Right. तो वो ज्यादा जरूरी है इस case के अंदर.
ऑलराइट स्टूडेंट स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए. अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं जिनके लिए आपको लगता है कि आपको हमारी फैकल्टीज हेल्प कर सकती हैं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस स्पेसिफिक एरिया में हमें हेल्प चाहिए, चाहे वो किसी टॉपिक से रिलेटेड हो या वो किसी ऐसी चीज से रिलेटेड हो जिसको आप फेस कर रहे हैं. जैसे हमने सेल्फ डाउट, हमने बात करी कि मोटिवेशन डाउन हो सकती है इस टाइम पे, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. मेनिट कंडक्टिंग मेनिट स्कॉलरशिप टेस्ट MST ऑन 17th एंड 31st मार्च. चूज द डेट दैट सूट्स यू बेस्ट.